यार ऐसा मत करो यार, एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो प्लीज ना यार। क्या हुआ दोस्त? सब खत्म हो गया है। लाइफ है यार। सोचा नहीं था यार कि सब ऐसे खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो गया, अब बचा क्या है? खैर छोड़िए, आप नहीं समझे। क्यों नहीं समझूंगा, ये टाइम भी निकल जाएगा यार। बहुत पहले की बात है, मैं कॉलेज में था, एक लड़की बहुत पसंद थी मुझे, पूर्वी नाम था उसका, और वो भी मुझे बहुत पसंद करती थी। फिर क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या हुआ? यार उसकी फैमिली नहीं मान रही यार। हाँ यार मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बहुत कोशिश की उसके फादर को कन्विंस करने की। मैंने कहा अंकल मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी मेरे साथ हर पल। पर यार कुछ लोगों के लिए काफी नहीं होता। और वो पूर्वी ने क्या किया फिर? क्या करती यार, प्रेशर में आ गई, बोल दिया भूल जाओ मुझे। मालूम है उसको कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया था मैंने, इस बात के लिए भी नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने आप को खड़ा किया और इतना बड़ा आदमी बना। यार मैंने सोच लिया था चाहे दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे मैं हार नहीं मानूंगा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम भी नहीं मानोगे। अरे पूर्वी तुम कब से खड़ी हो? जब से तुम मेरे बाप को गाली दे रहे हो तभी से। अरे अरे सुनो ना, शर्म नहीं आती तुम्हें? बाबूजी एक बार में हमारी शादी के लिए मान गए थे, अब तुम उनके बारे में झूठ बोल रहे हो, और मैं प्रेशर में आ गई थी। अरे पूर्वी ये लड़का डिप्रेशन में जा रहा था, हिम्मत ही नहीं है इन लोगों में। तुम्हारा नहीं कटा तो तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। सुनो तो। चलो तुम घर, तुम्हें घर में बताती हूँ।